संसद भवन में अब मास्क अनिवार्य कर दिया गया है कोरोना को देखते हुए। मनोज जी, क्या फैसला हुआ, लोकसभा स्पीकर ने क्या कहा है? नहीं, आज हम लोग जब आए सदन में, घुसने के पहले गेट पे स्टाफ मास्क लेके खड़े थे और मास्क सबको दिया गया, मास्क पहन के ही अंदर जाना था। तो हमें इस खतरे का एहसास हुआ। लोकसभा स्पीकर महोदय श्री ओम बिरला जी स्वयं ही मास्क पहन के आए थे और इस अनिवार्यता का हम स्वागत करते हैं। मेरा मानना है कि जैसा हम कहर देख चुके हैं कोविड का, और जैसा एक बार फिर से चाइना में कहर आया है, जो रिपोर्ट मिल रही है उसमें हजारों लोगों के मरने का समाचार है कोविड से, और हमारे देश में भी इक्का दुक्का केस निकले हैं। तो जो प्रधानमंत्री आज बड़ी बैठक भी ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आज बहुत बड़ी बैठक ले रहे हैं, इसके लिए उनका वंदन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इस देश और देशवासियों को बचाने के लिए हर समय मुस्तैद और सतर्क रहते हैं। कांग्रेस की कुछ बातें बड़ी अजीब हैं और इस खतरे को बढ़ावा देने वाली हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें और इस इनिशिएटिव का स्वागत करें। आपको लगता है देश अभी तैयार है, चूँकि स्थिति बहुत भयावह हो रही है, जो चाइना से रिपोर्ट आई है उसको देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि समय से वैक्सीन बनना, लोगों को वैक्सीन लग जाना, बूस्टर लगना, ये सब चीज़ें हमें बचा रही हैं। लेकिन जिस प्रकार की भयावहता चीन जैसे देश में पुनः दिखी है, इसलिए हमें लापरवाह नहीं रहना है, हमें सतर्क रहना है। और कोविड से सतर्कता अब सबको पता चल गई है, अब कोई नया नहीं है। सो कीप अलर्ट योर सेल्फ एंड कोविड से बचाव करते हैं। शुक्रिया आपका। ये थे मनोज तिवारी, इनका कहना है कि देश तैयार है और कोरोना की स्थिति को सबको समझते हुए सतर्कता बरतनी चाहिए। संसद भवन में भी अब मास्क कंपलसरी एक बार फिर से हो गया है। कुमार गौरव, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।